टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए सभी टीमें हैं पूरी तरह से तैयार, लेकिन कोई कितना भी दम लगा ले भारत ही ट्रॉफी उठाएगा अबकी बार। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। साल 2021 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में होने के लिए जा रही है, जहां पर ओमान में हमें फर्स्ट राउंड के सभी मैचेस देखने को मिलेंगे, यूएई में सभी सुपर 12 के मैचेस होने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी से कुछ टाइम पहले ही बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया था, लेकिन कल यहां पर स्पोर्ट्स को लेकर बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमीशन उसकी और साथ ही साथ दो टीम इंडिया कप्तान है, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है, उनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद यहां पर टीम का दोबारा से ऐलान किया गया है। टीम में 9 बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। जी हां, 8 नए खिलाड़ियों को टीम में आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पर शामिल किया गया है। वही मेन स्क्वाड में भी हमें यहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इस वीडियो में हम टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2021 के चैंपियन बने, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सुपर 12 के मैचों की शुरुआत से पहले टीम इंडिया 2 प्रैक्टिस टी20 मैच खेलने वाली है, जहां पर पहला मैच हमें 18 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिलेगा, दूसरा मैच हमें 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिलेगा। और उसके बाद दो सुपर 12 में टीम इंडिया के 5 मैचेस होने वाले हैं। 500 मैचों का शेड्यूल आप सभी लोग मेरे साइड में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए मेन स्क्वाड 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है, जहां पर अचानक से यहां पर हमें बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 में शानदार परफॉर्मेंस के बलबूते पर टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड्स में काफी सारे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जी हां, पूरी लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आपको आवेश खान, उमरान मलिक, अर्शल पटेल, लुकमैन मेरीवाला, वेंकटेश अय्यर, करण शर्मा, शहबाज अहमद और कृष्णप्पा गौतम, इन 8 खिलाड़ियों को टीम के साथ जोड़ा गया। टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स उनके मुताबिक ऐसा भी बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर वेंकटेश अय्यर नाम की तलवार यहां पर लटक गई है। जी हां, अगर किसी रीजन के चलते यहां पर हार्दिक पांड्या पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो वेंकटेश अय्यर को उनकी जगह पर मेन स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। मेन स्क्वाड में हमें एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है, अचानक से यह डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है। जी हां, अक्षर पटेल को मेन स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है, उनकी जगह पर मेन स्क्वाड में शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। जहां शार्दुल ठाकुर पहले स्टैंड बाई लिस्ट में थे, लेकिन अब अक्षर पटेल को स्टैंड बाई लिस्ट में डाल दिया गया और भाई यहां पर शार्दुल ठाकुर को मेन स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भी कुछ बदलाव यहां पर हुए। चलिए फाइनल स्क्वाड के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो मेन जो 15 मेंबर स्क्वाड उसकी बात करते, तो भाई टीम इंडिया यहां पर 4 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है, जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो भाई 2 प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ यहां पर टीम इंडिया उतरने वाली है, जो है ऋषभ पंत और ईशान किशन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो भाई 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स के साथ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली है, जो है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर। अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भाई 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ यहां पर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली है, जो है यहां पर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती। स्टैंड बाई प्लेयर्स की बात करते, भाई 3 खिलाड़ियों को यहां पर स्टैंड बाई लिस्ट में शामिल किया गया है। जो 3 खिलाड़ी यहां पर है, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर पहले थे, उनकी जगह पर अक्षर पटेल आ गए हैं और दीपक चहर, ये 3 खिलाड़ी स्टैंड बाई लिस्ट में शामिल है। यदि कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो भाई इन 3 में से किसी को रिप्लेस किया जाएगा। नेट बॉलर्स के बारे में मैंने बता दिया कि भाई 8 खिलाड़ियों को यहां पर एज नेट बॉलर्स यहां पर टीम के साथ जोड़ा गया है, टीम की वो प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड। इस पूरे स्क्वाड के ऊपर आपके ओपिनियंस है और आपके मुताबिक क्या होगी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया की बेस्टेस्ट प्लेइंग 11, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।